दीपावली दियों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, अपने घर परिवार को खुश रखने का परिवार और घर में ढेर सारी मिठाइयाँ और बच्चों के लिए पटाखे लाने वाला ये त्यौहार। लेकिन मैं आज इस त्यौहार के बारे में बात करूँगा और एक व्यक्ति की बात करूँगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी की, जो मैं बता दूँ आपको कि हर वर्ष इटखोरी के ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर पहुँचते हैं और यहाँ गरीबों के बीच, दिव्यांगों के बीच और यहाँ के पुरोहितों के बीच अपनी खुशियाँ बांटते हैं, अपने परिवार की तरह इन्हें मानते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हर वर्ष ये यहाँ पहुँचते हैं और इनके लिए मिठाइयाँ, इनके लिए कपड़े, इनके लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ जो इनके परिवार को खुश रख सके, इनके बच्चों को खुश रख सके और इनकी दिवाली भी अच्छी हो, ये सोचते हैं। मैं इस वीडियो के बाद मैं उन लोगों का वीडियो लगाऊंगा जो जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आप देखेंगे। उन्हें इनके बारे में कितनी खुशियां महसूस होती है, उनसे मिलकर इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि उनके बीच जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी आएंगे और वो उनकी दिवाली को भी खुशनुमा बनाए। भैया अथिन से हर अथी के मिठाई देते हैं इनके, और भी कपड़ा भी देते हैं, और जैसे बिरजू भैया का और मैया देथिन कि यार हमनी के खुशी से आन के देथिन हर दिवाली में। हर दिवाली, हाँ हाँ, हर दिवाली में देती आन के खुशी से, के साथ बिरजू बाबा, हाँ मतलब दिवाली में, हाँ खुशी खुशी से आन कर देथिन हमनी के बिरजू भैया। हमारा अलखी देवी आज बिरजू भैया तो हमनी के हर साल कपड़ा भी देथिन, मिठाई भी देथिन, पैसा भी देथिन दिवाली मनावे ले। उनकर मैया महारानी करती कि आर बैठ जाए कि फिर आती, फिर हम के दथिन साल भर में मैया दिवाली में जिनकी अमर राम बाल गोपाल खेलते साल दिवाली के खियलका पहनलका पैसा दिलका, फिर आइया हंसते खेलते साल न फिर दिवाली में एकदम आशीर्वाद देती है। बाल बच्चे सब धन बस चौगा रहे साथ जुग ले।